नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी प्लम्बर के लिए, कस्टमर के लिए। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों अगर आपके बाथरूम का हाइट जो है वो कम है, यानी कि 7 फीट है या फिर 8 फीट है, तो वहाँ से दोस्तों आप प्रेशर को कैसे मेंटेन करेंगे ताकि जो आपके टॉयलेट और बाथरूम में भरपूर प्रेशर आए, बहुत ज़्यादा प्रेशर आए। अभी मेरे कंडीशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर टैंक लगा हुआ है और ये जो हाइट है दोस्तों बाथरूम का, ये जो है ना ये 7 फीट है, ठीक है। तो अभी 7 फीट से किस तरह से फिटिंग करेंगे ताकि जो है बाथरूम और टॉयलेट में पूरा प्रेशर जाए, पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये टैंक दिखाई दे रहा है, कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए यहां पे ये आप देख सकते हैं, इधर देखिए एक आउटलेट है एक इनलेट है। ये वाला जो है ये आउटलेट है, यहाँ पर बाथरूम से आ रहा है, टैंक में जाके कनेक्ट हो रहा है। और ये वाला देखिए ये मोटर वाला है, देखिए इस तरह से नीचे लिया, किस तरह से एक एल्बो देखिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अगर आप चाहें तो यूनियन भी लगा सकते हैं। अब ये एक आउटलेट तो ये कनेक्ट हो गया, जो कि ये वाला देखिए यहाँ पे आ रहा है टी से लेके यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बाल वाल दिया, डायरेक्शन होता है। अभी ये उल्टा लगा है तो इसको पलट लेना। एक टी लगा के देखिए यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट किया गया है और एक वहाँ पे कनेक्टर से लगा के यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, ठीक है। देखिए सीरीज कनेक्शन किया गया है यहाँ पे। अभी प्रेशर कैसे मेंटेन करेगा वो आप समझिए। देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कनेक्टर से ला के यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, दोनों जगह का, दोनों आउटलेट का प्रेशर मेंटेन करने के लिए देखिए एक एल्बो वहाँ पे दिया, एक एल्बो यहाँ पे, देखिए दोनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद दोनों बाथरूम में डिवाइड कर दिया। देखिए टी लगा के ये चला जा रहा है उस बाथरूम में और ये आ रहा है आगे वाले बाथरूम में। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये कि यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाने के लिए देखिए कौन सा तरीका अपनाया गया है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दूसरा आउटलेट दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए यहाँ पे अब जो है ना ये दोनों आउटलेट है, ये दोनों आउटलेट है, टैंक से दोस्तों बाथरूम के लिए जा रहा है। और देखिए यहाँ पे ये जो है ना फिटिंग जो है गलत तरीके से हुआ है, गलत तरीके से क्यों होता है वो आप समझ सकते हैं। तो प्रेशर के लिए दोस्तों इसमें कोई मेन जो है वजह नहीं बन रहा है, क्योंकि एयर पाइप है। हालांकि 45 से भी आप लगा सकते हैं, सीधा नहीं खड़ा होता। यहाँ पर ये टीन सेट आ रहा है, इसके नीचे ये रुकावट बन रहा था, इसे दो एल्बो लगा के इसको साइड में लिया बाहर, दोनों इस तरह से निकाल दिया, टी लगा है ऊपर। एयर पाइप का भी लेवल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रेशर उसी तरह से बढ़ेगा। पहले जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझिए किस तरह से फिटिंग करेंगे ताकि जो है 7 फीट के हाइट से प्रेशर भरपूर आए। टी दिया, टी देके देखिए इस तरह से कनेक्ट किया और यहाँ भी टी दिया, टी देके पाइप इस तरह से लिया। देखिए अब यहाँ पे ना प्रेशर बढ़ाने के लिए देखिए टी से पाइप को सीधा लाया और ला के देखिए इसमें घुसा दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे यूनियन भी नहीं लगा हुआ है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे यूनियन ना लगाने का रीज़न जो है ना आप समझ सकते हैं, प्लम्बर की गलती इसमें नहीं है, कस्टमर भी कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस तरह से काम हुआ है, लेकिन प्रेशर पूरा दबा के आएगा, भरपूर आएगा। यहाँ पे देखिए फिटिंग नहीं लगाया गया है, वहाँ से टी से आप देख सकते हैं इस तरह से सेव कर लेना, क्योंकि एक तो हाइट कम है और अगर इसमें एल्बो वगैरह अगर ज़्यादा लगाओगे तो फिर प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। इस तरह से काम करना है आपको। देखिए और पानी जितना भी फिटिंग लगाओगे, क्योंकि पानी किसी भी ऑब्जेक्ट से जब टकराता है ना तो प्रेशर को डिक्रीज करता है, ध्यान रखना है। फिटिंग का इस्तेमाल कम करिए अगर आपके टैंक का जो हाइट है वो, ठीक है। देखिए इस तरह से सीधा लाया, यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ भी देखिए इंद्रधनुष बनाया गया है किस तरह से। देखिए टी से लिया और इस तरह से सीधा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तिरछा किया, टी में कनेक्ट किया और ये वाला भी देखिए यहाँ से लाया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये देखिए एयर पाइप यहाँ पे दिख रहा है, एयर पाइप जो है ना टैंक के लेवल से, टैंक के लेवल से कम से कम 1.5 फीट, मैक्सिमम 2 फीट ऊपर रखेंगे। अभी 2 फीट ऊपर इसको मैं रखा हूँ, ठीक है। और देखिए जब 1.5 फीट रखेंगे ना, 1.5 फीट या 1.5 फीट से कम रखेंगे, तो कई बार जब कोई टैप को ओपन करेगा तो यहाँ से पानी ओवरफ्लो होता है, ध्यान रखना है। टैंक के हाइट से एयर पाइप कम से कम 1.5 फीट, मैक्सिमम 2 फीट, और यहाँ पे इस तरह से टी लगा के रखना है, खुला नहीं छोड़ना है। अदरवाइज जो इसमें कुछ भी सीधा रहेगा ना तो सरिया वगैरह या कोई भी कंकड़ चिड़िया लोग ला के डाल देती हैं, तो यहाँ पर टी लगाइए, बेटर होगा। यहाँ पर 2.45 लगा दीजिए, ठीक है, वो और अच्छा रहता है। एयर इस तरह से नीचे से खींच के जाता है, पास करता है, तब पानी फेंकता है। ये भी एयर पाइप आपने देख लिया और देखिए ये वाला एयर पाइप भी आप देखिए, देखिए ये भी जो है टैंक के लेवल से 2 फीट ऊपर रखा हूँ, ताकि जो है प्रेशर में कोई भी प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। तो इस तरह से आपको टैंक का फिटिंग करना है। अभी इस केस में दोस्तों प्रेशर जो है ना बाथरूम में पूरा दबा के आ रहा है, कस्टमर जो है वो पूरा सेटिस्फाई है। तो इस छोटे से वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इस वीडियो में मुझे आपको ये अवेयर करना था कि बाथरूम का हाइट जो है अगर कम है तो वहाँ पे आप प्रेशर को कैसे मेंटेन करेंगे, CPVC पाइप को किस तरह से टर्न करेंगे, फिटिंग करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।